जी हाँ दोस्तों, तो आज हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं टायर एंड वैलेंस। टायर और वैलेंस जो होती है हमारी खिड़कियों के लिए यूज़ होती है, तो हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से साइज है। सबसे पहले हम टायर और वैलेंस को साइज के हिसाब से देखते हैं कि हमें कौन सी विड्थ जो है चूज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों ये देखें, एक हमारा टायर का साइज है 28x24 और 28x30 और 28x36। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम इसमें इस हिसाब से कि जो टायर की मेकिंग है, 3 इंच टायर बॉटम हेम एंड 4 इंच रॉड की जो है हमारा होल होगा। तो अगर हम इसमें देखें कि 4 और 3 7 और 1 इंच और ऐड कर लें, 8 हो जाए, तो तकरीबन तकरीबन जो है हमारा साइड वेस्ट निकल के भी जो है हमारी बैलेंस साथ ही निकल सकती है। अगर हम इसमें विड्थ लें 36 इंच, मैंने इसकी विड्थ जो है यूज़ की है, अगर हम 36 इंच विड्थ लेंगे तो हमें उस हिसाब से ही जो है इसको लेंगे कि हम किस हिसाब से इसकी वर्किंग करेंगे। तो ये देखें दोस्तों कि हमने सबसे पहले जो 28x24 इंच का जो है हमारा टायर है, इसको हमने लिया। एक एक इंच का साइड मार्जिन हमारा होगा, तकरीबन कोई एक ही नहीं, कुछ सेंटी सेंटी का हम लगा लेते हैं, एक एक सेंटी का, एक एक सेंटी का हमारा साइड मार्जिन है। और टॉप बॉटम हमने देख लिया कि 3 इंच और 4 इंच रॉड है हमारा। तो हम क्या करेंगे, टायर को जो है विड्थ फॉर लेंथ कटिंग करेंगे। इसका 28 में हम 2 इंच ऐड करके इसका कट बना लेंगे, और 30 जो 24 है, 24 में हम 4 और 3 7 और 1 इंच 8 हमने इसमें 24 में ऐड करेंगे, वो हो जाएगा 32। और हम 30 को डिवाइड करेंगे 39.37 के ऊपर, और हमारी कंजम्पशन जो है हमारी ये आ जाएगी। इसी हिसाब से हम ये दूसरा टायर का साइज लेंगे, 28 में 2 इंच ऐड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 30, और 30 में हम 8 इंच ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 38। उसके बाद हमारा तीसरा साइज जो है 28x36, इसमें भी 2 इंच ऐड किया, ये 30 आ गया, और 36 में हमने 8 इंच और ऐड कर देना है, और ये हो जाएगा 44। तो इसके बाद हम देखते हैं जो साइड पे वेस्ट बच रही है वो कितनी कितनी है, ये हम इस को देखते हैं। अब इसको हम इधर रखते हैं, और हमारी 66 माइनस कर देंगे हम इसमें से, कितना है 32। 32 अगर माइनस कर दें, इंटर किया, तो ये 34 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि कंट्रोल डी करके हम इसमें 38 लिख देंगे। 38 अगर लिखेंगे इधर, 38 लिख देंगे, तो देखते हैं इधर कितना बचता है, इतना बचता है। इसमें हम क्या करेंगे, 44 लिखेंगे, 44। तो हमारा बिल्कुल इधर जो है हमारा 22 बचा हो, हमें चाहिए कितना होगा, ये है हमारा वैलेंस का साइज 56x14। इसको भी हमने विड्थ फॉर लेंथ लेना है, ये 14 है, 14 में हमने क्या देखना है कि 1 इंच इसकी वैलेंस की बॉटम है, और इसका बॉर्डर जो है तकरीबन 1.25 इंच इसका बनता है। तो हमने अब इसको जमा कैसे करना है कि 14 जमा 1 15 16 17 18 18.75, और इसमें 1 इंच हमने ऐड कर देना है हेम मार्जिन का, और ये 1975 आ गया इधर। और हमने अब देखना है कि ये कितने निकलते हैं, 66 में से 20 भी लगाएं तो 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 60 आता है, 3 निकल आएंगे, 3 आगे, और ये 56 आ गया। 56 में हम 2 इंच ऐड करके इसका साइड मार्जिन जो है वो ले लेंगे, तो ये हमारा आ गया टोटल
जो है 58। अब हम देखते हैं कि ये कितने निकल सकते हैं साइड में से। अब ये इसमें से कितने निकल रहे हैं, हमने क्या किया कि इधर हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये जो 58 है इसको सीएम में हमने लेके आना है। इसको हमने लिया इधर से, डिवाइड किया 2.54 पे, बल्कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2.54 के ऊपर। मल्टीप्लाई किया 2.54 के ऊपर, इंटर कर देते हैं इसको, तो ये आ गया 147। अब हमने क्या करना है, 147 को अगर हम डिवाइड करें 100 पे तो इसके 1.47 जो है वो मीटर बनते हैं। अब हमने क्या करना है कि इस में देखना है कि हमारी कितनी वैलसीज निकल आएंगी। क्या किया हमने, इधर इंटर किया और ये फैब्रिक मीटर जो है इस पर रख के इसको डिवाइड कर दिया कितना इसके ऊपर। हम इसका मीटर बना चुके हैं समझे, हमने 100 पे डिवाइड किया और ये बन गया 1.47 मीटर। अब हम लिखेंगे 1.47 इसके मीटर और मल्टीप्लाई चलो कर लें इसको 0.97 के ऊपर, क्योंकि हमने 3% की इसकी वेस्टेज भी डाल देते हैं इसमें, तो ये आगे 824। तो ऐसे ही दोस्तों हमने इन तीनों को करना है। हमने करके देखते हैं कि इसमें से कितने जो है हमारे निकलते हैं। ये हमने इसमें डिवाइड किया 1.47 को लेके और फिर इसके बाद हमने इसको किया, तो ये टोटल हमारे निकल आए हैं 2162। और हमें चाहिए कितने, 2100। इसका मतलब ये है कि हमें जो है इसकी कंजम्पशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साइड में से ही सारे के सारे पूरे हो चुके हैं। तो इसी हिसाब से हमने जो है टायर और वायरस को लेके इसकी कंजम्पशन निकालनी है। तो दोस्तों ऐसे साइड से जो है वेस्टेज को इस तरह कवर किया जाता है। अगर मैं ये वेस्ट थोड़ी सी कम कर देता तो ये साइड से हमारी वायरस नहीं निकलनी थी। मैंने इसका हिसाब लगाते हुए जो है ये वेस्ट व्यर्थ रखी थी ताकि ये साइड से ये भी निकल आए। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मुझे उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, मैं नई वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।